बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में आमिर खान एक अलग ही लुक में अपने फैंस के बीच नजर आ रहे हैं। दरअसल ट्रेलर में आमिर खान एक पंजाबी सरदार का किरदार निभा रहे हैं। वहीं इस फिल्म में करीना कपूर भी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हुए नजर आ रही है। लाल सिंह चड्ढा का डायरेक्शन अद्वैत चंदन ने किया है। ये साल 1994 में आई हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। इस फिल्म की राइट साल 2018 में आमिर खान को मिले थे, जिसके बाद साल 2019 में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी। फिल्म में आमिर खान के अलावा करीना कपूर और संजय दत्त भी दिखाई देंगे। अगस्त में रिलीज होने वाली इस फिल्म के ट्रेलर को फिलहाल उनके फैंस द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। तो वहीं इस मूवी के ट्रेलर के बाद हमें इस मूवी से एक रोमांटिक सॉन्ग भी सुनने और देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते दिनों फिल्म का एक रोमांटिक गाना जुगनू शूट हुआ था। इस गाने को गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने अपनी आवाज दी है, तो वहीं प्रीतम ने इसे अपने संगीत से सजाया है। फिल्म से जुड़े एक सूत्र के अनुसार फिल्म के रोमांटिक गाने की शूटिंग के लिए एक बार फिर से पंजाब का रुख किया था। दोनों कलाकार पंजाब में फिल्माए गए इस रोमांटिक ट्रैक जुगनू में एक दूसरे से रोमांस करते हुए नजर आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के प्रमुख भाग को पंजाब में ही शूट किया गया है। आखिरी बार दोनों ने फिल्म थ्री इडियट्स में एक रोमांटिक गाने जुबी डुबी की शूटिंग की थी। गाने के बारे में बताते हुए डायरेक्टर अद्वैत चंदन ने कहा, हमने जुगनू की शूटिंग के दौरान बेहद धमाल किया है। यह आमिर सर और करीना मैम के साथ फिल्माया गया एक रोमांटिक गाना है। उनकी केमिस्ट्री इतनी अद्भुत है कि मैं कट नहीं करना चाहता था। मैं ये गीत को दर्शकों को दिखाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हैं लाल सिंह चड्ढा मूवी और इस मूवी के गानों को सुनने और देखने के लिए कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे चटपटे गॉसिप न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल गॉसिप वाला को सब्सक्राइब भी कर लें।